आप सभी को मेरा प्यार भरे पलाग मैं भूमि स्वागत करती हूँ। पहाड़ ना पूरा नीचे आया हुआ था, अभी मेरी किसी काम की नहीं है तो मैं भाई को दे देती हूँ। भाई मैं हूँ अभी आरटीओ ऑफिस के बाहर से। आप सभी को मेरा प्यार भरा पलाग मैं भूमि स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल भूमि ब्लॉग्स उत्तराखंडी पे। तो आज मैं ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ रास्ते से। अभी हम जा रहे हैं बागेश्वर, ये है बागेश्वर वाली रोड। आज मैं जा रही हूँ बागेश्वर और हमारा कुछ काम है, मैंने आपको परसों भी बताया था कॉलेज वाला, तो वही काम करने जा रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं वो आपको दिखाऊंगी आज। और भाई भी आज हमारे साथ है क्योंकि इसका भी बागेश्वर में काम है। तो अभी हम पहुंचे हैं हर्षिला और हम यहाँ पे थोड़ा रुक गए क्योंकि पीछे ना काफी अच्छा लोकेशन आ रहा था, तो मेरे सोचा यहाँ पर भी थोड़ा सा ब्लॉग बना लेती हूँ। तो आज हम जा रहे हैं स्कूटी में क्योंकि बागेश्वर में ना गाड़ी पार्किंग करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। हमारा काम है वो मार्केट में ही है, तो इसलिए हमने सोचा कि स्कूटी में ही चलते हैं। और ये इतना मस्त सा व्यू यहाँ पे है, कितना अच्छा लग रहा है। मंडल के ऑफिस पे तो मेरी एनओसी मिलने थी ना, स्कूटी की फाइनेंस करवाई थी, तो आज मिल जाएगी मुझे, आधार कार्ड मांगा हुआ अंदर। ये रहा बागेश्वर का चौला ऑफिस, मेरी एनओसी आ गई है। अभी मेरी किसी काम की नहीं है तो मैं भाई को दे देती हूँ भाई। तो ये आज से भाई की हो गई, मेरे तो काम की है नहीं। मैं आई हुई थी बड़ौदा बैंक में और मेरा वहीं से काम था, तो मेरा काम तो हो गया, अब चलते हैं भाई के काम करने को। ये रहा बागेश्वर का बड़ौदा बैंक, तब हम चलते आगे को आरटीओ ऑफिस जाना भाई का काम करने, तो वहीं चलते हैं। चल रही है आरटीओ ऑफिस की ओर, तो चलते हैं। आपको थोड़ी सी रोड भी दिखाती हूँ। तो ये रहा हमारी स्कूटी का शोरूम, हमने अपनी स्कूटी ना यहीं से खरीदी। हम निकल चुके हैं अल्मोड़ा वाली रोड। चुके हम लोग आरटीओ ऑफिस के बाहर से। ये रहा बागेश्वर का आरटीओ ऑफिस। मैं तो फर्स्ट टाइम आई हूँ, भाई भी फर्स्ट टाइम, भाई ने तो देखा भी नहीं था, मुझे तो थोड़ा थोड़ा पता था बट भाई को ना बिल्कुल पता भी नहीं था। होंडा का शोरूम जो मैंने उसको एक साल में दिखाया था। कब आया था पेपर देने? आज आज ना इसका डीएल का टेस्ट है, तो देखते हैं क्या होता है। मैं हूँ अभी आरटीओ ऑफिस के बाहर से। यहाँ पे थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि 12 बजे से स्टार्ट है हमारा जो भी काम है। तो यहाँ से थोड़ा सा बागेश्वर भी दिख रहा है, मैं आपको दिखाती हूँ। वो रहा सामने बागेश्वर। और ना हमारा अब मैं आपको सीधे मिलूंगी हमारे काम होने के बाद, तब तक पूरा काम कर लेते हैं। आरटीओ ऑफिस में जो काम था ना भाई का, वो हो गया है, तो अब हम चलते हैं मार्केट की ओर। थोड़ा काम भी है और वो भी कर लेते हैं, फिर चलेंगे घर को क्योंकि यहाँ तो बारिश का मौसम भी हो रहा है, धूप तो है नहीं आज। और हमारे वहाँ तो ही रहा मौसम आजकल बहुत ज्यादा। पिछली बार हम इसी रोड से हल्द्वानी गए थे ना, तो ये वही रोड है। अभी वो नीचे पे हम रील्स बनाएंगे। और ना काफी लोग पूछते हैं कि आप लोग रील्स नहीं बनाते, हम लोग रील्स बनाते हैं और हमारी आईडी है मयंक भूमि करके, हमारी इंस्टाग्राम पे आईडी है, तो आप वहाँ जाके हमारी रील्स देख सकते हैं। हम जहाँ भी जाते हैं ना हम हमेशा रील बनाते हैं, तो देखिएगा जरूर। हमें बागेश्वर की मार्केट पे और हम लोग जा रहे हैं मोमोज खाने क्योंकि हम बागेश्वर आते हैं, मोमोज जरूरी खा के जाते हैं। अच्छा लगता है। तो ये रही बागेश्वर की मार्केट। तो मार्केट में हमने मोमो भी खा लिए हैं और सारा काम ऑलमोस्ट हो चुका है, तो अब हम चलते हैं घर की ओर। भाई तो जाने भी लग गया, हमने स्कूटी पार्क की थी स्टेट बैंक के पार्किंग पे, हमने सोचा यहीं कर लेते हैं, और जगह पार्किंग खुली हुई भी नहीं थी, तो अब हम भी चलते घर को। तो हम चल दिए मेन मार्केट की ओर। बागेश्वर में जाम ही जाम रहेगा हमेशा यार। जैसे ना बागेश्वर वाली रोड पे लैंडस्लाइड हुआ था, तो वो यहाँ पे हुआ था ये।
ये पहाड़ ना पूरा नीचे आया हुआ था, ये काफी डर भी लगता है इसको देखते तो। अभी भी रोडों में पत्थर वत्थर गिरे हैं, तो इस टाइप से कुछ आया था, ये पूरा सा आया था, पूरी रोड ब्लॉक हुई थी। तो ऐसे हैं पहाड़ों के हाल, पहाड़ी नीचे आ चुका है। अब हमको इसको पार करना है। सुबह तो हमारी स्कूटी वो हो गई थी, अभी भाई की स्कूटी चल रही, भाई हमारी स्कूटी लेके चल रहा, तो देखते हैं कैसा रहता है। अभी भी हो गया था यहाँ पे। आज हम फिर से जा रहे हैं कॉलेज पे, और आज हम स्कूटी पे जा रहे हैं, तो देखते हैं कॉलेज बंद हुआ या नहीं हुआ है। तो पहुंच चुके हैं हम कॉलेज पे। मोस्ट मेरा सारा काम हो गया आज के दिन में, एक भी काम ऐसा नहीं हुआ कि जो अधूरा रहे। तो मैं बहुत खुश भी हूँ, क्योंकि बार बार कपकोट बागेश्वर आना पड़ रहा था, तो अब हम मुझे कहीं नहीं जाना पड़ेगा। तो आज ही चला रही वाली स्कूटी, और भाई चला रहा हमारी स्कूटी, शायद हम थोड़ा सा चेंजिंग कर रहे आज ना। चलो चलते हैं अब घर को, फिर मिलते हैं आपसे आगे को। मौसम भी खराब है, आज बारिश भी होने वाली है शायद। तो पहुँच चुकी मैं अपने मायके वाले रास्ते पे, ये रहा मायके वाला रास्ता, बट मुझे कोई मायके नहीं जाने दे रहा है। मेरे लबर, तू बड़ी छे मेरे लबर। बहुत मजा आ गया। तो मैं पहुंच चुकी हूँ घर, और मैं भराड़ी से लाई थी लौकी की सब्जी, और मम्मी ने चने भी खा के रखे हैं, तो आज मैं बनाऊंगी लौकी चना, मस्त होता है। तो मैं काटती हूँ फटाफट सब्जी, फिर काट के रख दूंगी, फिर थोड़ा सा घूमने जाऊंगी, उसके बाद खाना बनाऊंगी। आजकल ना दीदी मायके गई हुई है, तो मैं फटाफट से सब्जी काट करती हूँ, वरना हम दोनों होते हैं तो वो सब्जी काटती हैं, मैं बना देती हूँ, तो ऐसे मिलजुल के करते हैं, लेकिन आजकल अकेली हूँ तो मैं फटाफट काट के रख दे रही हूँ। उसके बाद घूमने जाऊँगी थोड़ी बहुत, उसके बाद खाना बनाऊँगी रात को।